जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो बहुत ही छोटा है और मैं खास कर ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन लोगों की नई नई शादी हुई है और साथ में जिनकी शादी पुराने भी हो गए, तो भी कोई बात नहीं, ये वीडियो उनके लिए भी इतना ही उपयोगी है। जब शादी होने वाली होती है उस वक्त पास्टर प्रचार करते और ज़्यादातर पास्टर शादी में एक ही बात सिखाते कि पति और पत्नी को मिलकर रहना है, पति पत्नी को साथ में रहना है, परमेश्वर के भय में रहना है, बाइबल पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, बाइबल से सब कुछ सिखाते। तो मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ता, वो सारी बातें सही है। जैसे बाइबल में लिखा है कि पति शिर है तो पत्नी को उसको सिर बना कर रखना चाहिए, और जो स्त्री है वो कमज़ोर है तो उसका सम्मान करना चाहिए, पति को उसका आदर करना चाहिए और उसके साथ समझ से रहना चाहिए। अगर इस तरह से रहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पति पत्नी हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो। कभी ना कभी किसी न किसी बात के लिए हो ही जाता है, और कई बार ऐसा होता है और ख़ास कर जिन लोगों की नई शादी हुई है, दो चार साल, पाँच छः साल हुए, ऐसे लोगों की मैं बात करता हूँ, जवान होते, लव उछलता रहता है। तो ज़्यादातर क्या होता है, जो लड़की होती फ़ोन उठाती है, अपनी माँ को बोलते थे आज मेरे पति ने ऐसा किया, आज मेरी सास ने ऐसा किया, आज मेरी जेठानी ने ऐसा किया, आज मेरी देवरानी ने ऐसा किया, आज मेरी ननद ने ऐसा किया, मेरे ससुर ये बोल गए, सारी बातें वहाँ पर सुनाती रहती है। और मालूम है ये जो लड़की होती है उसके माता पिता भी सुनते हैं उसकी। मैं माता पिता को भी स्पष्ट बोलता हूँ, अगर आपने शादी करवा दी अब अपनी लड़की को भूल ही जाओ, उसको स्पष्ट बोलो कि जब भी मेरे घर आए हंसते खेलते आना और पति को लेकर आना, दोनों साथ में आना और दोनों साथ में निकल जाना, अकेली तो आना ही नहीं और लड़ाई कर झगड़ा कर तो आना ही नहीं, मैं भी दरवाज़ा बंद कर दूँगी, ऐसा स्पष्ट बोलना सीखो। क्या आपने 2-5 लाख 10-12 लाख जो शादी पर खर्च किया शादी तुड़वाने के लिए किया, तो फिर क्यों उसको बढ़ावा दे? तो उसको स्पष्ट बोलो तेरा घर हो इसीलिए तेरी शादी करवाई, उसको तोड़ने का प्रयत्न मत करो। कभी अपनी बेटी को ऐसा मत बोलो कि कुछ भी हो जाए तो मेरे पास आ जाना, हम उसको देख लेंगे, ये मत करो। अगर वो आपकी बेटी बार बार फ़ोन करते उसको मना कर दो, बार बार फ़ोन मत कर, अब तो अपने संसार में सुखी रहे, अपने पति को आधीन रहे और अपनी ननद, माता पिता, सास ससुर उनको आधीन रहे, बस उसको ऐसा सिखाओ। लेकिन स्त्री क्या करती है, माता पिता को बताती रहती है, भाई बहनों को बताते रहते हैं, उनका भी खून खोल उठता है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं ऐसा मत करो। और ख़ास कर मैं जो बताना चाहता हूँ, अगर आप पति पत्नी हो, अगर आपके बीच में कोई भी तनाव हो, कोई भी ऐसी बात हो, आप आपके आत्मिक अगुवे के पास जाओ, आप आपके पास्टर के पास जाओ, अगर वो आत्मा से चलता है तो, नहीं तो जो भी आत्मा से चलता है ऐसे किसी परमेश्वर के दास के पास जाओ और वो बाइबल से आपको सिखाएंगे कि आपको क्या करना है। अगर आपने अपनी मम्मी को बताया, अपने भाई बहनों को बताया, वो मालूम नहीं क्या सलाह देंगे और क्या करवा देंगे, लेकिन मैं स्पष्ट बोलता हूँ ये बात शादी में नहीं सिखाई जाती कि अगर आपके बीच में लड़ाई झगड़ा हो तो जो पास्टर आत्मा से चलता है, बाइबल पर भरोसा रखता है, उसके पास जाना, ऐसे किसी परमेश्वर के दास के पास जाना, उनको बताना कि मेरी समस्या है, इस समस्या से हमें छुड़ाओ और वो आपको समस्या से आज़ाद कर देंगे। लेकिन फालतू में और किसी को मत बताओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।